नमस्कार, सुप्रभात। मैं विजय कुमार सेन नव भारती स्टडी सर्किल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी चारों तरफ रीट, पटवार, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पुलिस कांस्टेबल या अन्य किसी भी भर्ती का जो माहौल चल रहा है, उस भर्ती के माहौल में एक टॉपिक पशु संपदा का लगभग सभी सिलेबस में देखने को कॉमन मिलता है। और उस पशु संपदा का जो टॉपिक है, वहां से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको पशु संपदा के बारे में कुछ ट्रिक्स बताई, कुछ जानकारियां दी, और आप लोगों का जो सहयोग मिला, आप लोगों का जो प्यार मिला, आप लोगों ने जो कमेंट्स किए, आप लोगों ने जो व्यूज सब्सक्राइब जो किए, आप लोगों ने जो शेयर किए, उन्हें देख करके लगा कि हाँ, ये प्यार थोड़ा आगे और बढ़ना चाहिए। और उसी प्यार ने मुझे इसके अगले वीडियो को बनाने के लिए मजबूर किया, तैयार किया। तो मैं आज फिर आपके सामने लेकर हाजिर हूं इसका अगला सेगमेंट, इसकी अगली कड़ी। और इस कड़ी में आज हम पशु संपदा के अंदर पशु मेला और उनके स्थान को समझेंगे, जानेंगे कि राजस्थान जो है, राजस्थान में पशु मेला से क्वेश्चन पुटअप होता है। कई बार सीधा क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन बनता है कि जैसे मल्लीनाथ पशु मेला किस जगह पर लगता है, तो तिलवाड़ा, बाड़मेर। या इसी क्वेश्चन को इस तरह पूछ लेते हैं कि मल्लीनाथ पशु मेला का निम्न में से किस गोवंश से संबंध है। वहां पर चार ऑप्शन दे दिए गए और आपको एक को चुनना होगा। तो यहां पर गोवंश और उसका एक निश्चित समय होता है कि मल्लीनाथ पशु मेला लगता है, तो उसका एक समय है निश्चित, चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मल्लीनाथ जी से। और मल्लीनाथ जी पशु मेला जो है, ये आपके तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। बच्चों, कहां लगता है? तिलवाड़ा। आरपीएससी हो या यूपीएससी या आपके और कोई भर्ती, सभी भर्तियों में यहां से क्वेश्चन पुटअप, फिर बोल रहा हूं, सीधे तौर पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बहुत लाडला टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को, पिछले पेपर से अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। तो तिलवाड़ा बाड़मेर, और यहां पर जो गोवंश है, यो गोवंश है थार पारकर और कांकरेज, ये दो गोवंश यहां पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इसका जो समय है वो है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी। बच्चों, जैसे जनवरी फरवरी इंग्लिश मंथ होते हैं, उसी तरह से कृष्ण चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये हिंदी मंथ होते हैं। और राजस्थान में जो ये मेले लगते हैं वो हिंदी महीनों की तिथियों के अनुसार लगते हैं, न कि अंग्रेजी महीनों की तारीख के अनुसार। ठीक है, अगर कोई बच्चा पूछे कि सर ये कौन सी तारीख को लगता है, तो तारीख नहीं, यहाँ पर तिथियां हैं। और ये तिथियां जो होती है वो दो पक्षों में बटी होती है, प्रथम पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं और द्वितीय पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं। जब हम तीज त्योहार पढ़ेंगे, मेले पढ़ेंगे, तो उन तीज त्योहार में आपको मैं इन बातों को ढंग से और विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो अब बात कर रहे हैं कि चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक का जो समय है, उसके उस समय पर यह मेला लगता है। दूसरे की ओर बढ़ते हैं, तो दूसरा जो है वो है बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला ये लगता है मेड़ता नागौर, और यहां पर जो गोवंश है नागौरी, नागौरी गोवंश के लिए यह मेला जाना जाता है। और इसका जो समय पीरियड है, वह समय पीरियड, समय काल जो है वो है चैत्र शुक्ल एक से चैत्र पूर्णिमा, मतलब पूरे महीने भर। एक का मतलब है पहली तिथि, एकम प्रतिपदा, यहां पर ध्यान देना, 11 को एकादशी कहते हैं, एक को प्रतिपदा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रतिपदा, जिसे देसी भाषा में, बोलचाल की भाषा में पड़वा भी कहते हैं। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र पूर्णिमा, मतलब पूरा एक महीना लगातार ये मेला चलता है नागौरी।
गोवंश के लिए फेमस है और मेड़ता में लगता है। तीसरे की ओर आगे बढ़े तो तीसरा जो पशु मेला है वह है गोमती सागर पशु मेला। और गोमती सागर जो पशु मेला है इसका संबंध है झालरापाटन झालावाड़ से। गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। और झालावाड़ जो है यहाँ पर ये मालवी नस्ल जो है गोवंश की। बच्चों पिछले मैंने वीडियोस में आपको ट्रिक्स बताई थी, अब आपको याद आ रहा होगा हरी का सारा माल गिरना था, तो हरी का हरियाणवी कांकरेज, हरी का सारा माल सांचोर, इसमें नाम नहीं आ रहा, मालवी आ गया, गिर आ गया, हरी का सारा माल गिर ना नागौरी आ गया, और था और थार पार करा गया। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक से हमने इनकी नस्लों को याद किया था। अब ये गोवंश के मेले याद कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं कि गोमती सागर पशु मेला ये झालरापाटन झालावाड़ में लगता है और मालवी नस्ल के लिए जाना जाता है। और यह लगता है वैशाख शुक्ल त्रियोदशी 13 से ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष को ध्यान रखना, उजली तिथि भी कहते हैं, अमावस्या की बात में आती है। तो ज्येष्ठ शुक्ल त्रियोदशी से वैशाख शुक्ल त्रियोदशी से ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक यह मेला लगता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे है गोगा मेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़। आप तो जानते हो कि गोगा जी का मंदिर है यहाँ पर, और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। और यहाँ पर हरियाणवी नस्ल जो है, हरियाणवी नस्ल का गोवंश है उसके लिए इस मेले को जाना जाता है। और यह मेला श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, श्रावण की जो पूर्णिमा आती है जिसे हम क्या कहते हैं, रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है, श्रावणी भी कहते हैं उसे। तो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा, ये भी पूरे एक महीने तक लगातार चलता है। उसके बाद बात करते हैं कार्तिक पशु मेला। तो कार्तिक पशु मेला आपको बता दूं कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मेला भी है और इसको पुष्कर मेले के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यह अजमेर जिले के पास पुष्कर सरोवर पुष्कर तीर्थ में लगता है। और यह मेला गिर जो नस्ल है गोवंश की उसके लिए जाना जाता है, काफी फेमस है। और कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी तक यह लगता है, मतलब अष्टमी को शुरू होता है और मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक चलता है। आगे बात करें महाशिवरात्रि पशु मेला करौली, ये कहां लगता है, करौली में। और यह जो है हरियाणवी नस्ल के लिए फेमस है। और बात करें इसका समय तो फाल्गुन कृष्ण षष्ठी से लेकर के चतुर्दशी तक यह मेला लगता है। फिर बात कर रहे हैं तेजाजी का पशु मेला। तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर, और पर्वतसर जो है वहां पर गोवंश नागौरी के लिए फेमस है। और यहाँ पर श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, ये भी श्रावणी पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है, वहां से लेकर के भाद्रपद अमावस्या 15 दिन तक चलता है। देखो नागौर में हमने दो पशु मेले देखे, एक मेड़ता का एक पर्वतसर का। ठीक है, ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र पूर्णिमा पूरा एक महीना चलता है, और ये चलता है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या। ठीक है, फिर आगे है चंद्रभागा पशु मेला। और चंद्रभागा पशु मेला की बात करें तो चंद्रभागा जो पशु मेला है ये झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। और यह मालवी जो नस्ल है उस मालवी नस्ल के लिए फेमस है। और कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक ये मेला लगता है। तो हमने बात की कि राजस्थान में लगने वाले जो पशु मेले हैं और उन पशु मेलों का समय, उन पशु मेलों का संबंधित गोवंश और उनका स्थान या उनका जिला अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से चार तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला पशु मेले का नाम, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पशु मेले का स्थान, तीसरा गोवंश, और चौथा उसका समय। जब क्वेश्चन बड़ा बनाना हो, क्वेश्चन को घुमाना हो, तो जैसे मैचअप करने वाले क्वेश्चन है अक्सर यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, इनमें से भी जो
अक्सर पूछे जाते हैं उनमें से मल्ली नाथ पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, इनमें से भी जो पूछे जाते हैं चंद्रभागा पशु मेला, ठीक है। और ये दो तो बहुत लाडले हैं, इसके अलावा आपके तेजाजी पशु मेला पर्वतसर और गोमती सागर पशु मेला झलरापाट, ठीक है। ये चार मेले ऐसे हैं इन आठ में से भी, और इन चार में से भी जो मल्लीनाथ और चंद्रभागा जो है, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, ये तो मान के चलो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसको पूछा जाता है, और चंद्रभागा पशु मेला है इसको भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों को तो अगर औरों को आप याद नहीं भी कर सकते तो कम से कम इन दोनों को तो हमेशा के लिए माइंड में फिट कर ले कि मल्लीनाथ पशु मेला कहां पर है, तो तिलवाड़ा बाड़मेर में है, और इसका जो गोवंश है वह थार पारकर कांकरेज और चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, और चंद्रभागा पशु मेला जो है वो झालरापाटन झालावाड़ से ले झालावाड़ में भरता है, और ये मालवीय नस्ल के लिए, और कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक ये मेला लगता है। बच्चों अभी हमने बात की पशु संपदा, ठीक है, और पशु संपदा में जो गोवंश है इस गोवंश का स्थान और इसका समय, और अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे बिंदुओं के ऊपर जो अक्सर सीधे तौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं या अब से पहले पूछे गए हैं और वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो वो कौन से बिंदु हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं या आपके एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। तो हम बात कर रहे हैं संभावित उन बिंदुओं पर, मैंने आपके लिए कुछ बिंदु अलग से चयनित किए हैं जहां से सीधे डायरेक्ट, क्योंकि मेरा जो आपको ये वीडियो में आपको दे रहा हूं इसमें सिर्फ और सिर्फ बात की जाएगी दो टूक, मतलब जहां से सीधे तौर पर क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। देखो मैटर बहुत है, समय को ध्यान में रखते हुए और हमें जो हमारा ऑपरेशन है कि हमें इस एग्जाम को फाइट करना है, इसको आप इसमें हमें जीतना है, इसमें हमें विजय होना है, आगे निकलना है, ठीक है, उसको ध्यान में रखकर कि हमें बिल्कुल सटीक बात करनी होगी। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ऑपरेशन फ्लड की। ऑपरेशन फ्लड क्या है, देखो ऑपरेशन फ्लड का सीधा संबंध जो है वो है दुग्ध उत्पादन से है, किससे है, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, किसी भी प्रकार से दूध की जो मात्रा है क्वांटिटी जो है, ठीक है, दुग्ध का जो उत्पादन होता है उस दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाना, इसका मेन उद्देश्य है ऑपरेशन फ्लड का। ये जो ऑपरेशन फ्लड है ये वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन नाम के व्यक्ति थे, उनके नेतृत्व में, वर्गीज कुरियन नाम के एक व्यक्ति थे, उनके नेतृत्व में 1970 में चलाया गया एक कार्यक्रम था। वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में 1970 में एक कार्यक्रम चलाया गया और उस कार्यक्रम का उद्देश्य था, उस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि दुग्ध उत्पादन बढ़े, दूध की मात्रा को किस प्रकार से बढ़ाए से, क्लियर। उसके बाद बात कर रहे हैं खुरपका या मुंहपका। खुरपका मुंहपका क्या है, तो खुरपका मुंहपका जो है एक रोग है जो गाय और बैल, मतलब गोवंश से संबंधित है। खुरपका और जो मुंहपका जो है वो गाय और बैल से संबंधित है। इसका एक टीका है पॉलीवैक्सीन, इसका जो टीका है उसका नाम है पॉलीवैक्सीन। खुरपका और मुंहपका गोवंश में पाया जाने वाला एक रोग है जिसमें उसके जो पांव में जो नाखून
जो होते हैं जिसे हम खुर बोलते हैं वो पक जाते हैं और मुंह से भी सुखाया नहीं जाता, मुंह में भी लार गिरती है और मुंह भी सूख जाता है। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे हैं कि खुर पका मुंह पका, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि खुर पका और मुंह पका का संबंध किससे है या खुर पका मुंह पका क्या है या इसके टीके का नाम क्या है, तो इसके टीके का नाम क्या है, पॉलीवैक्सीन। फिर हम बात कर रहे हैं सर्रा रोग, सर्रा रोग का संबंध किससे है, तो सीधी सी बात है सर्रा रोग है इसका संबंध रेगिस्तान के जहाज ऊंट से है। बोलो किससे है, सर्रा रोग का संबंध ऊंट से है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री निशुल्क पशुधन दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क पशुधन दवा योजना, तो इसकी अगर बात करें तो 15 अगस्त मुख्यमंत्री निशुल्क पशुधन दवा योजना की अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 2012 15 अगस्त 2012 को मुख्यमंत्री निशुल्क पशुधन दवा योजना शुरू की गई और इस योजना के अंतर्गत पशुधन के लिए जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए दवाइयां फ्री में दी जा रही सरकार के द्वारा, उसी तरह से पशुओं के लिए भी दवाइयां फ्री दी जाने की स्कीम शुरू की गई और यह शुरू की गई थी 15 अगस्त 2012 को। फिर बात करते हैं अविका नगर, अविका नगर क्यों जाना जाता है, अविका नगर का क्या संबंध है, तो ध्यान रखना केंद्रीय भेड़ एवं केंद्रीय, अब बच्चों जहां भेड़ की बात कर रहे हैं जहां भेड़ होगी वहां ऊन भी होगा, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है। और ये कहां पर है, ये है टोंक में, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक, अविका नगर टोंक, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र टोंक जो कि अविका नगर में है। ठीक है, और यह 1962 में संचालित किया गया था, 1962 में, और भी इसकी जगह बताओ निश्चित कर तो आपको मालपुरा जो पड़ता है टोंक में उसके पास में है ये मालपुरा अविका नगर, तो आप टोंक भी आ सकता है ऑप्शन में, मालपुरा भी आ सकता है और अविका नगर भी आ सकता है। ठीक है, फिर आगे बात कर रहे हैं रायका और रेवाई, रायका और रेवाई जो जनजाति एक जनजाति है, ठीक है, और रायका और रेवाई जो जनजाति है यह जानी जाती है ऊंटों की देखभाल, ऊंटों के पालन के लिए, तो ऊंट पालन के लिए जो जनजाति फेमस है, ऊंटों के पालन के लिए जो जनजाति राजस्थान में जानी जाती है ऊंट पालन के लिए उसका नाम है रायका और रेवाई। फिर अगला क्वेश्चन बनता है वरमूल, उरमूल और गंगमूल क्या है, बहुत लाडला क्वेश्चन है वरमूल, उरमूल और गंगमूल। तो देखो पहली बात तो तीनों की तीनों जो है वो डेयरी है, ये तीनों की तीनों क्या है, डेयरी है, वरमूल उरमूल और गंगमूल। बात करें वरमूल की तो देखो वरमूल जो है तो वर कहां से है, जोधपुर से है, उर कहां से है तो उर बीकानेर से है, उर कहां से है बीकानेर से है, और गंगमूल जो है वो कहां से है, ये गंगानगर से है। तो हमने बात की कि वरमूल उरमूल और गंगमूल क्या है, तो वरमूल उरमूल और गंगमूल डेयरी है और वरमूल का संबंध जोधपुर से है, उरमूल का संबंध बीकानेर से है और गंगमूल का संबंध गंगानगर से। उसके बाद में है लरड़ी गाडर और उण्यो, ये शब्दावलियां हैं, ये क्या है, तो देखिए
लर्निंग। गार्डन, ये दोनों हम भीड़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? भीड़ को कहते हैं, ठीक है। और बात करें ऊणे को, तो ऊणे जो है, ऊणे हम भीड़ का जो बच्चा होता है भेड़ का जो बच्चा होता है उस भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है? ऊणे कहते हैं, ठीक है। तो हमने बात की कुछ ऐसे बिंदुओं की जो पशु संपदा से सीधे तौर पर लेके पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आएगी और आप इस जानकारी का लुत्फ उठा पाएंगे, अपने जीवन में इन चीजों को उतार पाएंगे। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में उजियारा हो, ये चीजें आपके जीवन में सफलता लेकर के आए। आज इस कड़ी को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।